का प्रधानमंत्री और आपसे सभी लोगों से विनती करूंगी कि आप लोगों ने अगर कांग्रेस को वोट किया तो इसका मतलब वो सीधा पाकिस्तान को वोट जाता है, क्योंकि कांग्रेस जिस तरीके से काम करती है देश को, इस देश के, भारत देश के लिए, वो कांग्रेस पाकिस्तान के इशारों पे काम करती थी, पर नरेंद्र मोदी जी इस देश के लोगों के लिए काम करते। इस देश का फिर एक बार प्रधानमंत्री बनना चाहिए और रेवंत रेड्डी गारू मुख्यमंत्री ना 2019 नुंची अब आईना मुख्यमंत्री आए पर्यंत आई सॉ हिम इन द पार्लियामेंट, ही वाज देयर एज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। आई डिडंट एक्सपेक्ट कि एक आधा व्यक्ति मुख्यमंत्री होने के बाद महिलाओं का सम्मान भूल जाता है। प्रचार इलेक्शन आएंगे जाएंगे, पर जिस क्षेत्र ने, जिस तेलुगु लोगों ने या आंध्र तेलंगाना ची तेलुगु जनाल्नी నాకు పేరు ఇచ్చింది, నవనీత్ కౌర్ ఎవరు ఇక్కడ తెలుగు జనాల్ని నాకు పేరు ఇచ్చింది, నాకు మంచిగా తెలుసు కి తెలుగులో మహిళకే సమ్మాన్ కిస్ తరీకే కర్తే కిసికే ఊపర్ అగర్ కుచ్ థోడా భీ సంఘర్ష ఆతా హై తో సబ్ లోగ్ ఏక్ తరఫ్ హో జాతే హై। రేవంత్ రెడ్డి గారికి ఆనే వాలే సమయ మే జరూర్ దిఖానా హై కి इस स्टेट में और तेलुगु लोगों के बीच में अगर तेलुगु बेटी को अगर कोई ऐसा बोलता है तो उसको कोई छोड़ेगा नहीं। आने वाले समय में मतदान के लिए मैं आपको एक विनंती करूंगी, पाकिस्तान से राहुल बाबू के लिए बड़ा सुंदर सुंदर सा प्यारा प्यारा मैसेज आ रहा है। राहुल गांधी बहुत अच्छे हैं, बोले राहुल गांधी को जिताओ। राहुल गांधी बड़े अच्छे हैं, क्यों जिताओ? क्योंकि 14 के पहले जब देश में कांग्रेस सरकार थी तो कांग्रेस पाकिस्तान के इशारों पे काम करती थी, इसलिए इस देश में कांग्रेस सही है ऐसा पाकिस्तान शब्दों में बोल रही है। अरे उनको एक चीज बता देती हूँ, बाप आखिर बाप होता है, बाप इस देश का प्रधानमंत्री। और आपसे सभी लोगों से विनती करूंगी कि आप लोगों ने अगर कांग्रेस को वोट किया तो इसका मतलब वो सीधा पाकिस्तान को वोट जाता है, क्योंकि कांग्रेस जिस तरीके से काम करती है देश को, इस देश के, भारत देश के लिए, वो कांग्रेस पाकिस्तान के इशारों पे काम करती थी, पर नरेंद्र मोदी जी इस देश के लोगों के लिए काम करते हैं, इस देश के युवकों के बेरोजगारी के लिए काम करते हैं, महिलाओं को घर देने के लिए काम करते हैं, महिलाओं को गैस सिलेंडर देने से काम करते हैं, महिलाओं को हर घर तक नल देने के लिए काम करते हैं, महिलाओं के भविष्य के लिए चिंता करते हैं, महिलाओं की बेटियों के लिए काम करने वाले शब्द उनके इसमें रहते हैं। 33% आरक्षण भी हमारे देश के प्रधानमंत्री ने महिलाओं को दिया है, ये कांग्रेस ने नहीं दिया है। और लालू प्रसाद क्या बोलते हैं कि अगर हमारी सरकार आती है तो हम मुसलमानों को आरक्षण देंगे, मतलब एससी एसटी का आरक्षण छीनकर मुस्लिम समाज के लोगों को आरक्षण देंगे, ऐसा लालू प्रसाद बोलते हैं कि हमारे साथ कांग्रेस है तो कांग्रेस आने के बाद एसटी एसटी समाज का सब रिजर्वेशन हम मुस्लिम समाज को देंगे। अरे जब तक देश में नरेंद्र मोदी है और जब तक सूरज चांद है, इस देश का संविधान किसी का बाप, इस देश में जब तक संविधान है और संविधान खत्म करने की ताकत किसी के बाप में भी नहीं है, कोई अगर ऊपर से भी आ गया तो संविधान खत्म नहीं कर सकते। मी नेनु मी अंदर की कोरुकुंटुन्नानु कि मीर वोट इस्तुन्नप्पुडु ओक माट गुरिंचि वोट इव्वालि, ई वोट అరుణా అక్క చెప్పండి, ఆ మాత్రే, ఇది జిల్లా పరిషత్ ఎలక్షన్ కాదు, ఇది కార్పొరేషన్ ఎలక్షన్ కాదు, ఇది నగర పరిషత్ ఎలక్షన్ కాదు, ఇది విధానసభ ఎలక్షన్ కాదు, ఇది దేశం కి ఎలక్షన్ ఉంది, దేశం కోసం మతదాన్ ఓట్ చేయాలి మీ అందరికి కోరుకుంటున్నాను। మీరు అందరూ తయారున్నారుగా, మీరందరూ ఫైట్ కోసం తయారీగా ఉన్నారుగా, ఎవరికి గెలిచారు? అరుణ అక్కకి ఇంత లీడ్ ఇస్తున్నారు,
प्रॉमिस कीजिए, आप लोग अपने सिर्फ वोट से समाधानी नहीं होना है, घर घर में जाना है, मतदान निकालना है और महबूब नगर का अगर नाम बदलाना है तो हक्का को पूरे देश में सबसे ज्यादा हकदीक मतदान देकर वोटिंग कर हक्का को जिता के लाना है। इतना ही सभी को मैं प्रार्थना करूंगी और विनंती करूंगी और सभी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करूंगी। एक बार जोर से, इस देश में रहना है तो जय श्री राम।